बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला सबकी जुबान पर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी ने सोशल मीडिया के लिए एक कंपनी को हायर करने का फैसला किया है और वो टेंडर उनकी वेबसाइट पे डला हुआ है। ये पब्लिक नोटिस जो है अगस्त में एलजी साहब की वेबसाइट पे डाला गया है और वो कहते हैं बिडर्स आर इनवाइटेड, एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी is invited for managing and coordinating digital social media pages, handles of Honorable LG, LG Secretariat and implementing social media strategies of LG Secretariat for welfare coordination, information dissemination of citizens and discrediting information, misinformation. और खास बात यह है जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि इसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वर्क है एक साल के अंदर कितना पैसा ये देने का सोच रहे हैं एलजी साहब अपने सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने के लिए। दिल्ली वालों के टैक्स का 1.5 करोड़ रुपया सालाना एलजी साहब अपने सोशल मीडिया के ऊपर फूकेंगे। आप सोचिए एलजी कार्यालय, गवर्नर कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, ये सब एक ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं। ये ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं इस कारण इनको ये माना जाता है कि ये कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि इनके ऊपर मुकदमा भी किया जा सके, इसलिए आप देखिए इनको प्रोसिक्यूशन से अलग रखा गया। एक साल के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के लिए कंपनी हायर की जाएगी और अगर अच्छा काम करेगी तो उसको 3 साल तक उस काम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि 4.5 करोड़ रुपए तो टैक्स वालों के इन्होंने यहीं जो है निपटा दिए। स्कोप ऑफ वर्क क्या कराना चाहते हैं इस कंपनी से, एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया हैंडल्स चैनल्स ऑफ ऑनरेबल एलजी, इनका अपना चैनल और इनके अपने हैंडल ये कंपनी चलाएगी। कुल मिला के 10 लोगों की फौज जो है एजी साहब 1.5 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली वालों का पैसा, वो एलजी साहब जिन्होंने अब तक अपनी वोट भी गुजरात से दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं की, वोट भी वो अपनी पत्नी के साथ गुजरात में डालते हैं, वो आज दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से 1.5 करोड़ रुपये सालाना में अपना चेहरा चमकाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है और सीधा सीधा दिल्ली के चुनावों से पहले चुनावों को प्रभावित करने की एक साजिश है ताकि एलजी साहब जो अक्सर उनके सेक्रेटेरिएट से झूठी और बेबुनियाद बातें कही जाती हैं उसको प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से प्रसारित किया जाए। ये बहुत जो है मुझे लगता है कि एक खतरे की बात है और आज तक मैं नहीं समझता कि दिल्ली के किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरीके का दुस्साहस किया है जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने इस चीज़ के लिए किससे अप्रूवल लिया, इन्होंने क्या ये पैसा पास कराया दिल्ली विधानसभा से, कहां से, क्या इन्होंने बजट में बताया दिल्ली के कि इनको 1.5 करोड़ रुपये इस चीज़ के लिए चाहिए ताकि विधानसभा इनके लिए वो पैसा पास करे। एलजी सेक्रेटेरिएट को पैसा दिया जाता है सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप अपना चेहरा चमकाएं उससे, अपनी प्रसिद्धि उससे बढ़ाएं। आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप ये करें, आपका काम है जनता के साथ संवाद करना। एलजी का क्या मतलब है ये सब करने का, और एलजी साहब जो कहते हैं वैसे ही बीजेपी वाले पूरे दिन चलाते हैं सोशल मीडिया पर, चलता ही है, सब लोग देखते हैं, बीजेपी की तरफ से पुश किया जाता है उसको, और ये सरकारी पैसे से इस तरीके का काम और वो भी चुनाव से एन पहले, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है इमोरल है। नैतिकता के तौर पे एलजी विनय सक्सेना को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये काम बिल्कुल जो है
दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है जिसको तुरंत रोका जाना चाहिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है, एलजी साहब पहले टैक्स पेयर से पूछें। दिल्ली विधानसभा का मतलब क्या है? दिल्ली विधानसभा के अंदर पैसा पास होता है, इसलिए पास होता है कि दिल्ली विधानसभा दिल्ली की पंचायत है, दिल्ली के लोगों ने चुन के दिल्ली विधानसभा में लोग भेजे, 70 लोग भेजे, कि वो पैसा कैसे खर्च होगा उसका फैसला करें। दिल्ली वालों का पैसा एलजी साहब कैसे खर्च कर सकते हैं? क्या उन्होंने दिल्ली वालों से पूछा है? क्या उन्होंने असेंबली से पूछा है? नहीं पूछा। खुद ही तय कर लिया कि 1.5 करोड़ रुपए सालाना जो है वो इस चीज के अंदर बर्बाद करेंगे।